अस्सलाम वालेकुम फैंस एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ओडीआई सीरीज के बारे में बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। तो चलिए आइए अब हम फर्स्ट ओडीआई के बारे में बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की थी और टॉप ऑर्डर पहले ही कोलैप्स कर गया था 55 रन्स पे 4 आउट। फिर आए रस्सी वैन डरसन और डेविड मिलर, दे टुक चार्ज ऑफ द इनिंग्स। रस्सी वैन डरसन की कमाल की 123 रन्स और डेविड मिलर की कमाल की 50 रन्स की इनिंग्स, इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को 273 रन्स का टारगेट दिया अपने 50 ओवर्स में। तो चलिए आइए हम पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने कोई खास स्टार्ट तो नहीं दिया, फ़खर जमान पहले ही आउट हो गए थे। फिर आए बाबर आजम और इमामुल हक, उनकी पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान ये मैच करीब लेके जाता जा रहा था। और बाबर आजम की 100 रन्स की स्टैगरिंग पार्टनरशिप और इमामुल हक की 70 रन्स की कमाल की इनिंग्स, बट जैसे ही ये दोनों आउट हुए सडनली हार्ट अटैक आ गया पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। बैटिंग लाइनअप सडनली कोलैप्स कर गई और फिर आए रिजवान और शादाब खान, उनकी हल्की फुल्की पार्टनरशिप की वजह से ये मैच पाकिस्तान जीत तो गई थी लेकिन बहुत मुश्किल से जीती थी, बट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम के जानिब से। एंड दे वन द फर्स्ट ओडीआई एंड वन द सीरीज 1-0। तो चलिए आइए अब हम सेकेंड ओडीआई के बारे में बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने फिर बैटिंग की थी और पिंक डे था, और हमें जैसे पता है कि साउथ अफ्रीका पिंक डे में हमेशा टीमों को बड़े बड़े स्कोर मार देती है, और इस बार वही हिसाब हुआ। साउथ अफ्रीका का अच्छा स्टार्ट, एडन मार्करम की 39 रन्स की इनिंग्स, क्विंटन डिकॉक की 80 रन्स की इनिंग्स, टेम्बो बुवुमा की 92 रन्स की इनिंग्स, रस्सी वैन डरसन की 60 रन्स 36 बॉल्स पे इनिंग्स, और डेविड मिलर की 50 रन्स की इनिंग्स 25 बॉल्स पर, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को 341 रन्स का टारगेट दिया। बल्कि बहुत ही गंदी बॉलिंग की थी पाकिस्तान टीम ने, और सबसे ख़ास बात यह थी कि साउथ अफ्रीका के ओपनर्स ने एक ऐसा स्टार्ट दिया जिसकी वजह से बाकी बैट्समैनों के लिए आसानी होगी और उनको कॉन्फिडेंस मिला कि वो भी रन्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने कोई ख़ास स्टार्ट नहीं दिया, इमामुल हक जल्दी अपने विकेट गंवा बैठे थे। फिर वो बाबर आजम आए, बाबर आजम और फ़खर जमान की हल्की फुल्की पार्टनरशिप से लग रहा था कि बाबर आजम फिर एक बड़ा स्कोर करेगा और पाकिस्तान फिर ये टारगेट चेज कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उल्टा हिसाब हुआ। नॉटिये ने बाबर आजम, रिजवान और दानिश अजीज़ की विकटें गिराई थी, और बाबर आजम सबसे बड़ी फिश थी पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप की, और उनकी विकेट उड़ाना एक बहुत बड़ी बात थी। और वो भी जितने भी आउट हुए थे ये तीन बैट्समैन वो शॉर्ट पिच डिलीवरी पे आउट हुए थे। फिर सडनली हमें पाकिस्तान की बैटिंग में कोलैप्स नज़र आया, कोई प्लेयर फ़खर जमान का साथ ना दे सका, और मैं क्रेडिट देता हूँ फ़खर जमान को कि इतने टफ विकेट पे और इतने तगड़े साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उसने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, इसकी वजह से वो मैच करीब लेके आ रहा था। लेकिन अफसोस इस चीज़ का था कि टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल ही फ़खर जमान का साथ नहीं दिया, एंड ही गेव होप टू पाकिस्तान, बट साउथ अफ्रीका ये मैच जीत की थी। बट हार्ड लक फॉर पाकिस्तान, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एफर्ट की थी बट सिर्फ एक प्लेयर ने स्कोर किया था, एंड दैट वाज फ़खर जमान। लेकिन एक प्लेयर आपको क्रिकेट में कभी भी मैच नहीं जिता सकता, टॉप थ्री और टॉप फोर को चिप इन करना पड़ेगा रन्स के साथ साथ। तो साउथ अफ्रीका इजीली जीत गई और उन्होंने सीरीज लेवल करके 1-1 कर दी। तो चलिए आइए अब हम थर्ड ओडीआई के बारे में बात करते हैं। तो इस बार पाकिस्तान बैटेड फर्स्ट और इमामुल हक और फ़खर जमान ने कमाल की बैटिंग की, कमाल का ओपनिंग स्टार्ट दिया जिससे बाकी बैट्समैनों को भी कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इमामुल हक अच्छी 50 रन्स बना के आउट हो गए थे, और फ़खर जमान ने जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं इस लास्ट टू ODIs में उनको गलत प्रूव किया और उनको शो किया कि मेरी जो पोजीशन है वो पाकिस्तान टीम में रिटेन्ड रह सकती है।
लास्ट मैच में 193 रन्स की इनिंग्स और इस मैच में 101 रन्स की इनिंग और एक बहुत स्टैगरिंग इनिंग्स खेली थी उसने, लेकिन फिर वो आउट हो गया और फिर आए बाबर आजम, कैप्टन, कैप्टन फैंटास्टिक, और वो एक आर्टिस्ट है और एक आर्टिस्ट टच नज़र आता है उनकी बैटिंग में। और बाबर आजम अपनी शॉट्स खेलते हैं और 94 रन्स की कमाल की उसने इनिंग्स खेली थी, लेकिन वो डटे रहे विकेट पे। लेकिन पाकिस्तान के वही इश्यूज होते रहे, जैसे ही अच्छा स्टार्ट दिया ओपनर्स ने, जैसे ही एक दो बैट्समैन नए आ गए, वो कोलैप्स करना शुरू हो गए और बाकियों पे रिलाय करना पड़ता था। लेकिन फिर हसन अली डेथ ओवर्स में उसने छक्के जिस तरीके से मारे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी शॉट्स खेली, इसकी वजह से उन्होंने साउथ अफ्रीका को 322 रन्स का टारगेट दिया अपने 50 ओवर्स में। तो चलिए आइए अब हम साउथ अफ्रीका की इनिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। इस बार उनके जो बड़े प्लेयर्स थे, रबाडा, डी कॉक, डेविड मिलर और लुंगी निगीडी और नॉट, ये आईपीएल खेलने गए थे। मैं बड़ा शौक था कि ये क्यों गए थे आईपीएल खेलने, टूर के बाद ही चले जाते। लेकिन जनमी मलान स्टेप्ड अप और उसने कमाल की 70 रन्स की इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी गेम खेली उसने। शॉर्ट बॉल को जिस तरीके से उसने खेला, जिस तरीके से उसने अपनी शॉट्स खेली, उसमें एक एलिगेंस नज़र आ रही थी उसकी बैटिंग में। लेकिन फिर वही चीज़ थी, उनके पास बड़े प्लेयर्स नहीं थे, बट समहाउ दे ट्राइड देयर बेस्ट, लेकिन मुश्किल था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद नवाज़ आए बॉलिंग करने, उस दो तीन विकटों से पाकिस्तान का मोमेंटम शिफ्ट हो गया। फिर वरैने और पेलोक्वायो की इनिंग्स मिडल ऑर्डर में ऐसे लग रहा था कि वो ये मैच छीन सकते हैं और ये वैसे भी सीरीज़ का डिसाइडर था, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच ईजिली जीत गई और उनके प्लेयर्स से स्कोर ना हो सका, उनके पास चॉइस नहीं थी। बट हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान एंड दे वन द ओडीआई सीरीज 2-1। तो जैसे आप लोग सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान सीरीज 2-1 तो जीत गई है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ पाकिस्तान टीम के बारे में कि उनका जो मिडल ऑर्डर है ना, वो थोड़ा सा वीक मुझे नज़र आता है। उनका जो टॉप थ्री है पाकिस्तान का, वो तो पक्के हैं, फ़खर, इमाम, बाबर, रिजवान, लेकिन इसके बाद अकबर वो प्लेयर ऐसा नहीं है जो आप इनिंग्स को डीप लेके जा सकता है, जो इनिंग्स को लंबा लेके जा सकता है, वो आपके पास नहीं है। मैंने काफ़ी ऐसे मैचेस देखे हैं पाकिस्तान के कि जहाँ पे वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो आसान को मुश्किल बना देते हैं। तो इस पे पाकिस्तान को वर्क करना पड़ेगा। और मैं साउथ अफ्रीका के तौर पर ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो आपकी इंटरनेशनल ड्यूटी थी, आपको इंटरनेशनल ड्यूटी पे होना चाहिए था और आपके जितने भी प्लेयर्स थे वो आईपीएल क्यों खेलने गए थे। और मैं समझता हूँ, मैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करता हूँ कि आप जो है उनको ओडीआई सीरीज़ के बाद कह देते कि आप आईपीएल खेलने चले जाएं, क्योंकि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो थी सीरीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान, कोई भी इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट हो सकता है। लेकिन सबसे मुझे इस चीज़ का गुस्सा आया हुआ है कि जितने भी ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे वो आईपीएल खेलने चले गए। तो डू और डाई सीरीज़ थी, किसी की भी गेम हो सकती थी। तो डू और डाई सीरीज़ में आपने यंगस्टर्स को बहुत प्रेशर में डाला, समहा उन्होंने अच्छा तो किया, लेकिन इस चीज़ का आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट एक सीरियस गेम है, तो उसको सीरियसली साउथ अफ्रीका को नहीं लिया। चलिए आज के लिए इतना, मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।